हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोमेंटम फिजिक्स। आप सभी लोग का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि ये वीडियो किन के लिए। ये वीडियो आईटीएम 2022 एस्पायरेंट्स की एक आवाज है, जो उनके साथ प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं वो इस टाइम, उनको हम लोग उनके इश्यूज को डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ साथ गेट के जो एस्पायरेंट हैं उनके बारे में बताना चाहता हूं कि गेट का जो एग्जाम होता है वो मोस्टली जो है बीटेक स्टूडेंट्स के लिए होता है, यानी कि जो नंबर ऑफ एस्पायरेंट्स हैं 90 to 95% बीटेक स्टूडेंट्स होते हैं। और उसके बाद कुछ स्टूडेंट होते हैं यानी कि फिजिक्स वाले बच्चे जिन्होंने एमएससी फिजिक्स करी है, केमिस्ट्री से एमएससी करा है, मैथमेटिकल साइंसेस से जिन्होंने एमएससी करी है, इस तरह के जो हमारे स्टूडेंट होते हैं उनकी तादाद बहुत कम होती है। मोस्टली जो गेट का एग्जाम है वो बीटेक वाले बच्चों के लिए होता है। लेकिन फिर भी मैंने यानी कि एमएम सर ने गेट एस्पायरेंट के लिए सबसे पहले आवाज उठाई, उनकी बात को करा, मैंने वीडियोस बनाई, आप लोग देख सकते हैं इस चैनल पर। और फिर मैंने ट्वीट वगैरह भी किया, उस पर लोगों ने रिट्वीट भी करा, एक ट्वीट है उसके 300 रिट्वीट उस पर हुए हैं और बच्चों ने काफी अच्छे से कैंपेन चलाया और ट्वीट कर रहे हैं। तो एक तरीके से इनिशिएट कर दिया था मैंने, अब लोगों ने उसको आगे बढ़ाया है। तो ये बीटेक वालों की मेरा जितना सपोर्ट है उनको था, और उनके भी अब जो कोचिंग्स वाले हैं एक दो दिन में वो लोग भी एक्टिव हुए हैं, जो बीटेक की कोचिंग्स एमवाई गेट की जो कोचिंग्स हैं, इंस्टीट्यूट है बड़े बड़े, उनके भी टीचर्स अब एक्टिव हुए हैं, वो लोग भी अब वीडियोस बना के इस पे कैंपेन चला रहे हैं और कोर्ट केस वगैरह सारी चीजें कर रहे हैं। तो उनका सही चल रहा है, उनकी कैंपेन है, सारी बातें उन तक ठीक है। लेकिन आईआईटी जैम 2022 इतना बड़ा एग्जाम नहीं है गेट की तरह, ठीक है। इसमें जो यूट्यूब चैनल्स भी हैं बहुत बड़े नहीं है, कुछ गिनती के आईआईटी जैम के यूट्यूब चैनल्स हैं, उसमें भी लोगों ने अभी तक आवाज नहीं उठाई है। तो मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा है कि आईआईटी जैम 2022 एस्पायरेंट्स की आवाज बनकर उठाया जाए, उनके मुद्दों को उठाया जाए। वजह क्या है कि टेलीग्राम में मैसेजेस आ रहे हैं मेरे, अपने खुद के आईटी जैम का मैं टीचर हूं, आईटी जैम का एडुकेटर हूं, मैं आईटी में एस्पायरेंट्स को पढ़ाता हूं, तो हमारे मेरे खुद के पढ़ाए हुए बच्चे वो और सभी बच्चे वो क्या प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं वो हम लोग डिस्कस करने वाले। देखिए सबसे बड़ा सिनेरियो तो यहां पर यह है कि एक सेंटर का जो रिलोकेशन है वो सबसे बड़ा मुद्दा है, यानी कि वो उनका सेंटर जहां पर उन्होंने सिटी को भरा था उस वक्त वो अपने कॉलेजेस में थे, हॉस्टल्स में थे, वो घरों से 800 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर दूर है। और उसके साथ साथ इस टाइम में ये नॉर्मल पीरियड नहीं चल रहा है, पैंडेमिक की सिचुएशन है, तो हमको ये कंसीडर करना पड़ेगा। तो आईटी रुड़की इज द ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ आईडीएम 2022, तो उससे हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं वीडियो के माध्यम से, ट्वीट्स के माध्यम से, कि ये जो हमारा सेंटर रिलोकेशन वाली प्रॉब्लम हो रही है। और उसके साथ साथ सपोज करिए मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूं यूपी का, यूपी की अगर मैं बात करूं 70 से 80 शहर है यूपी में, उसमें सेंटर क्या हर सिटी में सेंटर है? नहीं, 2-4-6 सेंटर होंगे यूपी में। अब ये बताइए कि जैसे मैं कानपुर में रहता हूं, कानपुर में तो सेंटर होता है, तो मेरे लिए सेंटर्स तक पहुंचना इतना बड़ा इश्यू नहीं होगा। लेकिन आसपास के शहर है, मान लीजिए कि इलाहाबाद से लोग यहां आ रहे हैं, फतेहपुर से आ रहे हैं, उन्नाव से यहां कानपुर आ रहे हैं, यानी कि दूसरे शहरों से, कन्नौज से यहां आ रहे हैं, फर्रुखाबाद से यहां आ रहे हैं, तो दूसरे शहरों से बच्चे कानपुर आएंगे, तो ये जो ट्रेवल करेंगे, अब देखिए जो कोविड पॉजिटिव स्टूडेंट होगा वो दवा खा लेगा, वो बताएगा नहीं किसी को कि मैं कोविड पॉजिटिव हूं, वो अपना हल्का हल्का खांसते हुए रास्ते भर चला आएगा और कितने लोगों को वो इन्फेक्ट करेगा, ये एक सीरियस इशू है। एग्जामिनेशन सेंटर में वो कोविड पॉजिटिव स्टूडेंट आ गया तो उसके लिए क्या है, एग्जाम देने दिया जाएगा या नहीं देने दिया जाएगा, उसको अलाउ करा जाएगा कि नहीं करा जाएगा, और सेंटर का रिलोकेशन अलाउ किया जाए, क्योंकि एग्जाम्स जहां पे कॉलेजेस थे उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों ने फिल करा था, तो एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी उन्होंने सेंटर दिया था उसको रिलोकेट करने के लिए अलाउ करा जाए कि सेंटर को रिलोकेट कर सके, और कोविड 19 पॉजिटिव जो स्टूडेंट है उनको सुनिश्चित किया जाए, उनको गारंटी दी जाए, उनको एश्योर्ड किया जाए कि उनका उनको भी एग्जाम देने के लिए अलाउ करा जाएगा। तो ये बातें तो एक ठीक है कि हम लोग अलाउ करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं अभी लोगों को कोविड पॉजिटिव है, अभी जो स्टूडेंट्स हैं, एस्पायरेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, वो कोविड पॉजिटिव है। इस बात की क्या गारंटी है कि जिन हफ्तों में ये आईटी जैम गेट के एग्जाम्स हो रहे होंगे उस वक्त, जो आईटी जैम गेट के एग्जाम्स हो रहे होंगे उस वक्त बच्चों को कोविड पॉजिटिव नहीं होगा, ठीक है, उस वक्त भी होगा, अभी भी है। अच्छा, सबसे एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे लोगों से पूछना चाहता हूं कि ये जो एग्जाम आप दे रहे हो, अगर सपोज करो एग्जाम के पीरियड पर, एग्जाम के टाइम पर अगर आपके कोविड पॉजिटिव है, क्या उस मेंटेलिटी से
क्या उस एनर्जी से आप एग्जाम को दे पाओगे? नहीं आप दे पाओगे। किसी को अभी अगर, यानी कि पीक टाइम है ये प्रिपरेशन का, इस टाइम पे यहां पर बच्चे टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, धुआंधार चीजें एकदम सब लगे हुए हैं भयंकर तरीके से, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस एंड सो ऑन चल रहा है, रिविजन चल रहा है, लेकिन किसी बच्चे को कोविड पॉजिटिव है, उसके अंदर एनर्जी नहीं है, बुखार चढ़ा हुआ है, खांसी आ रही है, वो घर में बैठा हुआ है, वो पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो उसका जो ये लॉस है, तो अगर हम ये चाहते हैं कि इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको मिले, तो अनफेयर ना हो एग्जाम, फेयर एग्जाम हो, तो सबसे सीधा सिंपल सा रास्ता है कि एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया जाए, एग्जाम को रीशेड्यूल कर दिया जाए। ये हम आईआईटी रुड़की से रिक्वेस्ट करते हैं, एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट करते हैं, पीएम ऑफिस से, हम लोग जितना भी हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट है उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इस एग्जाम में दखलअंदाजी करें, इंटरफेयर करें और इस एग्जाम को पोस्टपोन कराया जाए। अब कुछ बच्चों का कमेंट आ रहा है कि सर क्या नेशनल लेवल का एग्जाम है, पोस्टपोन करेंगे? तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि इस देश में आईआईटी से ऊपर भी कुछ है, जो रिसर्च सेंटर है वो आईआईटी से भी ऊपर है। अगर एमएससी फिजिक्स वाले बच्चे वो इस बात की अहमियत को जानते हैं कि आईजर्स, आईएससी, टीआईएफआर एंड सो ऑन, लंबे से रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक लिस्ट है, वो सब आईआईटी से कहीं ज्यादा हमारे लिए, साइंस के स्टूडेंट के लिए महत्व रखते हैं। वो जो हमारे प्रीमियम इंस्टीट्यूट है उनके एंट्रेंस का, इंटीग्रेट पीएचडी और पीएचडी के एंट्रेंस का जस्ट का एग्जामिनेशन होता है। लास्ट ईयर हमने उस, मैंने खुद वीडियो बनाई थी और उस वीडियो के साथ साथ मैंने ट्वीट भी करा था। मेरी वीडियो और ट्वीट के बाद उस एग्जाम को बच्चों ने जब रीट्वीट करा तो उस एग्जाम को पोस्टपोन किया गया। वो भी एक नेशनल लेवल एग्जाम है, उसमें तो बच्चे भी टोटल 10,000 बैठते हैं, उससे ज्यादा नहीं बैठते, 10-11-12 हजार एस्पायरेंट्स का वो एग्जाम है, लेकिन उसको भी जब रीशेड्यूल कर दिया गया तो आईटी जैम तो फिर भी उसके कंपेरिजन में बड़ा एग्जाम है। 80-90 हजार एस्पायरेंट आईटी जैम का होता है और गेट का एस्पायरेंट तो मेरे हिसाब से 4-5 लाख से क्या कम होता होगा, मुझे एग्जैक्टली मालूम नहीं है। मुझे इतना मालूम है कि गेट में फिजिक्स वाले बच्चे लगभग 20,000 के आसपास होते हैं और मुझे बाकी बीटेक की जो ब्रांचेज है उनके कितना एस्पायरेंट रहता है मुझे उसके बारे में आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी गेट एक बड़ा एग्जाम है, आईटी जैम उससे छोटा है लेकिन ये भी एक कम से कम बड़ा एग्जाम है। तब जेस्ट को ज्वाइंट एंट्रेंस स्क्रीन टेस्ट एग्जाम को जब हम लोगों ने पोस्टपोन करा दिया तो आईटी जैम को भी हम कराएंगे। सबसे सिंपल वे तो ये है कि एग्जाम को रीशेड्यूल कर दिया जाए, नई डेट्स दे दी जाए या नई डेट्स ना दी जाए, कम से कम ये कह दिया जाए कि इस जो 13 फरवरी को आईटीएम का एग्जाम होना है इसमें नहीं होगा, फर्दर जो आगे की डेट होगी वो हम अनाउंस करेंगे। ये कम से कम आईटी रुड़की करना चाहिए। और उसके साथ साथ अगर ये नहीं हो रहा है तो सेंटर रिलोकेशन तो सबसे इंपॉर्टेंट है। इस ये जो स्टूडेंट की डिमांड है इसको तो आईटी रुड़की को करना ही पड़ेगा, इसको सेंटर रिलोकेशन ओपन करा जाए। और हमारी ये भी डिमांड है कि सेंटर रिलोकेशन जब ओपन होगा तो उसकी कोई भी फीस कुछ भी चार्ज नहीं किया जाएगा। और दूसरी चीज, आईटीएम की फीस 1500 रुपए होती है अप्लाई करने की, उस 1500 रुपए को खर्च किया जाए, जो किसी बच्चे को कोविड पॉजिटिव है तो उसको एश्योर किया जाए कि उसका एग्जाम होगा। आप अलग से कंप्यूटर सिस्टम बनाइए, अलग से लैब्स कंप्यूटर लैब्स में कहीं पर कराइए, अलग हॉल में, रूम में, वी डोंट केयर। हमें बच्चों ने साल भर मेहनत की है, वो एश्योरेंस चाहते हैं, उनके जिंदगी का सवाल है और एक तरफ लाइफ का भी सवाल है। एग्जाम कराया जा रहा है जब फरवरी में कोविड की पीक एक्सपेक्टेड है और दूसरी तरफ उनके फ्यूचर के भी सवाल है, उनके एक साल का भी सवाल है, उनके वन ईयर की, उनकी प्रिपरेशन की, उनकी मेहनत का भी सवाल है। तो अनफेयर ना हो एग्जाम कि जिनकी तबीयत सही थी, जो सब कुछ बढ़िया था, वो एग्जाम दे आए और कुछ बच्चे जो मेहनत करा, जिन्होंने सब कुछ करा, वो कर सकते थे अच्छा एग्जाम में, लेकिन वो एग्जाम नहीं दे पाए किसी ना किसी कारणवश, किसी ना किसी क्या कोविड 19 पॉजिटिव होने के कारण या एग्जामिनेशन सेंटर तक ना पहुंच पाने के कारण, कुछ भी हमारे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो अनफेयर ना हो एग्जाम, तो आईटी जैम का हम लोग ये चाहते हैं कि इसको पोस्टपोन करा जाए। तो आईटी जैम को पोस्टपोन के लिए ट्विटर में हम लोग ट्रेंड चलाने वाले हैं, तो हैशटैग आप जो यूज करोगे एकदम प्रॉपर यूज करोगे, मैं दो हैशटैग आप लोगों को बता दे रहा हूं, आईआईटी जैम 2022 पोस्टपोन आईटीएम, ऐसे पोस्टपोन पहले लगाओ, ये तो गेट में जैसे चल रहा है पोस्टपोन गेट, तो उसी तरीके से यहां पर पोस्टपोन आईआईटी जैम 2022, ठीक है। एक ये एक चला दे वो, ये पोस्टपोन, ये हम लोग जो है चलाने वाले हैं पोस्टपोन आईटी है 3, और फिर उसके बाद रीशेड्यूल आईआईटी जैम 2022, ये हम लोग चलाने वाले हैं। टेलीग्राम के माध्यम से हम लोग जुड़े रहेंगे, गेट वालों के लिए मैंने एक ग्रुप बनाया था, तो आईटी जैम बच्चों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि उसी ग्रुप में एड हो जाए। मैं लिंक नीचे दे दूंगा, ट्वीट का भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, जुड़े और इस कंपेन को हम लोग आगे चलाने वाले हैं आईटी रुड़की के मैनेजमेंट तक, एजुकेशन मिनिस्ट्री तक, सेंट्रल गवर्नमेंट तक हम अपनी आवाज को पहुंचाएंगे।
एमएम सर आपकी आवाज बनकर आए, ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है, इसको ये काम आप लोग ट्वीट वाला करेंगे, ये वाला काम करेंगे। अब एज ए मतलब आप मुझको मेंटर मानते हो, गाइड मानते हो, भरोसा है मुझ पर, तो मैं आप कुछ बातें कहना चाहता हूं। ये सारे काम प्रिपरेशन बंद नहीं होगी, रिवीजन बंद नहीं होगा, प्रैक्टिस बंद नहीं होगी, फॉर्मूला जो बच्चे याद कर रहे हैं वो बंद नहीं होगा, टेस्ट सीरीज दे रहे हैं वो बंद नहीं होगा। अलग से जब आप सारे काम कर लो, आपकी पढ़ाई हो जाए, 5 मिनट दिन के आपको इस काम में लगाने, ट्विटर में ट्वीट करना है, मेरे ट्वीट को रीट्वीट करना है, और टेलीग्राम में कम से कम दिन में एक दो बार, अगर जब पढ़ाई से ब्रेक लेते हो पढ़ने के बाद 5 मिनट का 10 मिनट का कुछ खाने पीने के लिए, उस वक्त टेलीग्राम को खोलोगे और इस ग्रुप में देखोगे कि क्या चल रहा है, क्या डिस्कशन हो रहा है, उसमें पार्टिसिपेट करोगे। अपनी पढ़ाई को आपको कंटिन्यू रखना है, उसमें किसी तरीके की कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। कंपटीशन एकदम तगड़े से हो रहा है, हीटेड कंपटीशन है, आप भी लगे रहिए जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो मेरे बच्चे हैं, जो मुझसे मोमेंटम चैनल के माध्यम से जुड़े हुए, सभी मेरे आईडीएमएस पॉइंट से रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज अपनी पढ़ाई के साथ कोई भी खिलवाड़ और मजाक नहीं करेंगे। बाकी ये कंपेन है, मैं आपको सपोर्ट करूंगा, इनिशिएट कर रहा हूं मैं इसको, अब आप आगे बढ़ाइए, ये आपके कंधों पर है कि आपको ये सारी चीजें करनी है। अपना ओपिनियन आप कमेंट बॉक्स में बताइए, जो भी बातें हो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, आपको अच्छी लगी मेरी बात ओपिनियन, और ये मेरी मैंने जो आवाज उठाई आपकी तब भी बताइए। अगर किसी को खराब लग रहा है कि सर क्या जो है करा रहे हो, रीशेड्यूल करा रहे हो, पोस्टपोन करा रहे हो, नहीं कराना चाहिए, मैं तो एकदम हेल्दी हूं, सब कुछ बढ़िया है, और मैं गारंटी लेता हूं कि मुझको 13 फरवरी को कोविड नहीं होगा, इस तरह के भी बच्चे मैंने देखे हैं जो कह रहे हैं क्यों पोस्टपोन कराया जा रहा है, सब कुछ तो ठीक है, मैं तो, अगर भाई तुम हेल्दी हो तो तुम एग्जाम गेट का आईटीएम का उस दिन तक हेल्दी रहोगे, इस बात की क्या गारंटी है। तो यही मुद्दे की बात है कि जो आज स्वस्थ हैं और हम कामना करते हैं कि वो स्वस्थ ही रहे, लेकिन व्हाट अबाउट कि अगर हो गया तब तो उनको बड़ा बुरा लगेगा अगर एग्जाम हो जाएगा अनफेयर। तो जिनको अभी कोविड हो गया है, जिनको उस टाइम हो सकता है कोविड, तो ये एक अनफेयर एग्जाम ना बने, क्योंकि साल में एक बार होता है, साल में दो बार इसको मौके मिलते हैं, हम कुछ नहीं कहते, पूरा पूरा साल बर्बाद होता है। तो प्लीज आईआईटीज का मैंने गेट में भी समझाया था, एक्सप्लेन करा था कि एग्जाम को पोस्टपोन कराने में कोई दिक्कत नहीं है। अब आप सुनिए, आईडीएम का एग्जाम मार्च फरवरी में होता है, रिजल्ट एक महीने बाद मार्च में देते हैं, अप्रैल में काउंसलिंग की डेट आती है, काउंसलिंग हमारी बंद होती है मई में, जून में जो है काउंसलिंग के रिजल्ट आते हैं, राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3 आते हैं, तो पूरा उसमें जून चला जाता है, फिर जुलाई में जाके कहीं पर रिपोर्टिंग टाइम होता है किसी आईटीएम 15 जुलाई, और पिछले साल तो और लेट हुआ, ये सारा पूरा प्रोसीजर पिछले साल और लेट हुआ, इस साल जो एक नॉर्मल कंडीशन में तो जुलाई में, मतलब ये एग्जाम को ऐसा फैला के रहेंगे 6-5 महीने के लिए, इनको कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, लेकिन अगर एग्जाम को पोस्टपोन करना हो तो प्रॉब्लम है, नहीं कर सकते पोस्टपोन, ये कौन सा लॉजिक है, ये लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है। इसको सिंक्रोनाइज करा जा सकता है कि भाई आप अप्रैल में एग्जाम को लीजिए, मार्च में एग्जाम को लीजिए, 40-45 दिन बाद लीजिए, ठीक है, उसके बाद आप जल्दी से रिजल्ट निकालिए, कंप्यूटराइज सिस्टम है, कंप्यूटर से कॉपियां चेक हो सकती है, ऑनलाइन पेपर होता है, वी ऑल नोस की जो है जो और इंटरनेट और इंटरनेट बोल रहा हूं मैं सॉफ्टवेयर, ये सारी चीजें आराम से हो सकता है, एक दिन में सारा रिजल्ट और मेरिट बन सकती है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, ठीक है। उसके साथ साथ आप जल्दी से काउंसलिंग का फॉर्म निकालो, काउंसलिंग करो फास्ट फास्ट, सब कुछ हो सकता है अगर बच्चों की हेल्थ की फिकर हो आईआईटी ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट आईआईटी रुड़की को, या फिर बच्चों की लाइफ और फ्यूचर का अगर उनको समझते हो इन चीजों को, तो वो मेरे हिसाब से हमारी इन बातों को जरूर सुनेंगे, और ट्विटर्स के माध्यम से, मेल्स के माध्यम से हम लोग कॉन्टेक्ट करेंगे, लोगों को करेंगे, तो आप जुड़िए। टेलीग्राम का मैंने बता दिया, ट्वीट का मैं लिंक दे दे रहा हूं, ठीक है, तो कोई भी अपडेट होगा मैं बहुत जल्द आप लोगों के लिए हाजिर होऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू।